नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम राजस्थान के लोक देवताओं और लोक देवियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप BSTC, PTET, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, PSI, पटवार, राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान से रिलेटेड किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इनमें जो है लोक देवताओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और इन 30 प्रश्नों में से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि सारा जो है आपका निचोड़ लोक देवता और लोक देवियों का उनसे संबंधित इस प्रश्नों में मैंने जो है सेलेक्ट किया है। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से भी पूछा जाता है? दोस्तों, बहुत बार ये रिपीट हो चुका है एग्जामों में, किसी भी एग्जाम में इस बार भी रिपीट हो सकता है। किस लोक देवता को जाहर पीर के नाम से पूछा जाता है? पहला ऑप्शन है तेजा जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है कल्ला जी, चौथा है केसरिया कुंवर जी। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा गोगा जी। बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है, गोगा जी को जो है जाहर पीर के नाम से पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सुविख्यात मेला है? पहला है गोगा जी का मेला, दूसरा है रामदेव जी का मेला, तीसरा है बाबू जी का मेला, चौथा है गौतमेश्वर मेला। तो दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जो मेला भरा जाता है वो आपके रामदेव जी का मेला भरा जाता है आपके रूणीचा जैसलमेर में। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस लोक देवी की पूजा खंडित प्रतिमा के रूप में की जाती है? पहला ऑप्शन है करणी माता, दूसरा है केला देवी, तीसरा है शीतला माता, चौथा है आई माता। तो दोस्तों, एकमात्र ऐसी लोक देवी जिसकी पूजा जो है वो खंडित मूर्ति के रूप में की जाती है वो हो जाएगा आपकी शीतला माता। चाकसू जयपुर में इसका मेला भरता है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप अपने माइंड में बैठा के रखिए या फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए, और वीडियो समाप्त होने के बाद आप अपने उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। चौथा प्रश्न है, सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी कौन सी है? पहला है सुगाली माता, दूसरा है जीण माता, तीसरा है केला देवी, चौथा है आई माता। तो दोस्तों, सिरवी जाति के क्षत्रियों की जो कुलदेवी है वो आई माता को माना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, बाबूजी की फड़ कौन से वाद्य यंत्र से बांची जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है जंतर वाद्य यंत्र, दूसरा है भपंग, तीसरा है रावणहत्था वाद्य यंत्र, चौथा है चिकारा। तो दोस्तों, बाबूजी की जो फड़ है वो रावणहत्था नामक वाद्य यंत्र से बांची जाती है। और आपको बता दूं, बाबूजी की फड़ जो है सबसे लोकप्रिय फड़ है। दूसरे क्वेश्चन भी आपको याद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, छठा क्वेश्चन है, तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवा का मेला भरता है? पहला ऑप्शन है वीर कल्ला जी, दूसरा है रामदेव जी, तीसरा है देवनारायण जी, चौथा है मल्लीनाथ जी। तो दोस्तों, तिलवाड़ा में जो है वो मल्लीनाथ जी का जो है मेला भरा जाता है। आपका चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से संघर्ष करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए? पहला ऑप्शन है गोगा जी, दूसरा है वीर कल्ला जी, तीसरा है वीर जुंजार जी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ऐसे लोक देवता गोगा जी हैं जिन्होंने कि महमूद गजनवी से संघर्ष किया था और अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। आपका पहला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी शासकों की कुलदेवी है? पहला है तन्नोट माता, दूसरा है करणी माता, तीसरा है स्वांग्या माता, चौथा है छींक माता। तो दोस्तों, जैसलमेर के भाटी शासकों की जो कुलदेवी है वो हो जाएगा आपका स्वांग्या माता। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में लोक देवता और लोक देवी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको सेलेक्ट किया गया है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका राजस्थान के लोक देवता लोक देवी से संबंधित टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न इनमें से ही पूछे जाएंगे। नवा प्रश्न है, मारवाड़ के पंच पैरों, दोस्तों यहाँ पे पैरों नहीं होगा, यहाँ पे पीरो हो जाएगा, मिसप्रिंट हो गया। मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सम्मिलित नहीं है? पहला है गोगा जी, दूसरा है मेहा जी, तीसरा है रामदेव जी, चौथा है तेजा जी। यह प्रश्न कई बार बच्चे गलत करते हैं क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण लोक देवताओं को सम्मिलित किया गया। तो दोस्तों, मारवाड़ के पंच पीरों में जो है तेजा जी नहीं सम्मिलित है। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दसवां प्रश्न है, सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन सी है? सिसोदिया, जिसे हम गुइल वंश भी कहते हैं, महाराणा प्रताप इसी वंश के थे। पहला ऑप्शन है बाण माता, दूसरा है बदाना माता, तीसरा है रानी सती, चौथा है सकराय माता। तो दोस्तों, सिसोदिया वंश की जो कुलदेवी है वो आपके बाण माता हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। ग्यारहवां प्रश्न है, बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है लीलण, दूसरा है सिणगारी, तीसरा है लीलागर, चौथा है केसर कालमी। तो दोस्तों, बाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम केसर कालमी था। चौथा ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बारहवां प्रश्न है, गोगा जी की समाधि किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है चूरू जिला, दूसरा है हनुमानगढ़ जिला, तीसरा है जोधपुर जिला, चौथा है नागौर जिला। तो दोस्तों, गोगा जी की जो समाधि है
वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, आपके गोगामेड़ी में इनका मेला भी पड़ता है। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में किस देवी का मेला पड़ता है? पहला ऑप्शन है जीण माता, दूसरा है करणी माता, तीसरा है रानी सती, चौथा है सकराय माता। तो दोस्तों प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में जो मेला पड़ता है वो आपके रानी सती का मेला पड़ता है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस माता के मंदिर में दीपक के लौ से कैसे टपकती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। पहला है आई माता, दूसरा है जीण माता, तीसरा है रानी सती, चौथा है शीतला माता। तो दोस्तों आई माता के मंदिर में जो है दीपक के लौ से कैसे टपकती है? आई माता बिलाड़ा में इनका मेला भी पड़ता है। ये ऑप्शन आपका एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, करणी माता का बचपन का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है कर्नल भाई, दूसरा रिदु भाई, तीसरा है करनाला, चौथा है कर्नल किन्यानी। तो दोस्तों करणी माता के बचपन का जो नाम था वो था रिदु भाई। आपका बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, कौन से लोक देवता धनवानों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे? पहला है केसरिया कुंवर जी, दूसरा है भूरिया बाबा, तीसरा है डूंग जी जवार जी, चौथा देवनारायण जी। तो दोस्तों ऐसे लोक देवता जो धनवानों का धन लूटकर गरीबों में बांटते थे वो थे डूंग जी और जवार जी। ये चाचा भतीजा थे जो कि धनवानों का धन लूट लेते थे और उन्हें जो है गरीबों में बांटते थे, इसलिए सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न है, कौन से लोक देवता की फड़ पर 1992 में डाक टिकट जारी हुआ? कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है और इस बार भी आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला है पाबू जी, दूसरा है मल्लीनाथ जी, तीसरा है रामदेव जी, चौथा है देवनारायण जी। तो दोस्तों 1992 में जो जिस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ था वो थे देवनारायण जी। आपका डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, चाकसू स्थित शीतला माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पहला ऑप्शन है सवई ईश्वरी सिंह, दूसरा है सवई माधो सिंह, तीसरा है सवई प्रताप सिंह, चौथा है सवई राम सिंह। तो दोस्तों चाकसू स्थित शीतला माता का जो मंदिर है वो आपके सवई माधो सिंह ने बनवाया था। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है? तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मणी माता, दूसरा है आई माता, तीसरा है सकराय माता, चौथा है शीतला माता। तो दोस्तों राजस्थान में एकमात्र मंदिर जहाँ देवी के पीठ का श्रृंगार व पूजा की जाती है वो हो जाएगा आपके ब्राह्मणी माता। पहला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20वां क्वेश्चन, मेहर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गाय छुड़ाते हुए शहीद होने वाले लोक देवता है? पहला ऑप्शन है पाबू जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है तेजा जी, चौथा है हड़बू जी। तो दोस्तों तेजा जी जो है मेहर के मीणाओं से लाचा गुजरी की गाय छुड़ाते हुए शहीद हुए थे, वो जो सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, आई माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? पिछले प्रश्नों में मैंने इसके बारे में बात भी की थी। पहला ऑप्शन है बिलाड़ा, दूसरा है ओसिया, तीसरा है नाडोल, चौथा है जसोल। तो दोस्तों आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। पहला ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, कौन से लोक देवता के मेले पर तेरह ताली नृत्य किया जाता है? पहला ऑप्शन है रामदेव जी, दूसरा है तेजा जी, तीसरा है वीर कल्ला जी, चौथा है गोगा जी। तो दोस्तों तेरह ताली नृत्य जो है वो रामदेव जी मेले के में किया जाता है। कामड़ जाति के द्वारा जो है यह नृत्य किया जाता है। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, गोगा जी की पत्नी का क्या नाम था? पहला ऑप्शन है फूलम दे, दूसरा है पैमल, तीसरा है केलम दे, चौथा है नेतल दे। तो दोस्तों गोगा जी की जो पत्नी थी उसका नाम केलम दे थे। आपके सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 24वां प्रश्न है, कौन सी लोक देवी के मंदिरों को बडेर या फिर दरगाह कहा जाता है? पहला ऑप्शन है जीण माता, दूसरा है केला देवी, तीसरा है आई माता, चौथा है शिला देवी। तो दोस्तों आई माता के मंदिरों को जो है बडेर या फिर दरगाह कहा जाता है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, करौली में केला देवी का मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है काली सिंध नदी, दूसरा है पार्वती, तीसरा है काली सील, चौथा है बामणी। तो दोस्तों काली सील नदी के किनारे जो है केला देवी मंदिर स्थित है जो कि करौली में है। आपका सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, चार हाथों वाले लोक देवता हैं? कई बार जो है रीट के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा गया है। ए ऑप्शन है वीर कल्ला जी, दूसरा है देव नारायण जी, तीसरा है तेजा जी, चौथा है जरड़ा जी। तो दोस्तों चार हाथों वाले जो लोक देवता है वीर कल्ला जी को कहा जाता है। इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है क्योंकि जयमल को कंधे पर बैठा कर इन्होंने 1567 में अकबर के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, इसी कारण इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता भी कहा जाता है। 27वां प्रश्न है, गौ रक्षा के लिए बलिदान देने वाले लोक देवता हैं? पहला है पाबू जी, दूसरा है गोगा जी, तीसरा है तेजा जी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आपका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि पाबू जी, गोगा जी और तेजा जी तीनों ने जो है गौ रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, सैनिकों की कुलदेवी है? पहला है तन्नोट माता, दूसरा है हिंगलाज माता, तीसरा है आशापुरा माता, चौथा है चामुंडा माता। तो दोस्तों सैनिकों की जो कुलदेवी है वो आपके तन्नोट माता को माना जाता है।
और जैसलमेर में इनका मेला भी पड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है 29वां, जीण माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है झुंझुनू, दूसरा है जयपुर, तीसरा है सीकर, चौथा है अजमेर। दोस्तों जीण माता का जो मंदिर है वो सीकर जिले के रेवासा में पड़ता है। सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। 30वां प्रश्न और आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से तेजाजी से संबंधित स्थान नहीं है? पहला है खड़नाल, दूसरा है सेंदरिया, तीसरा है बांसी दुगारी, चौथा है बुंडेला। तो दोस्तों इनमें से तेजाजी से संबंधित स्थान जो नहीं है वो हो जाएगा बुंडेला, क्योंकि बुंडेला जो है वो हड़बूजी से संबंधित स्थान है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। दोस्तों ऐसी ही और वीडियोज पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में।